नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रेमानंद घाग। दोस्तों आज मैं एक टेक्निक और ट्रिक लेके आया हूँ आप लोगों से। बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि अपनी फाइल सेव तो दिखा दिया, बट फाइल सेव में मुझे मेरा फाइल साइज बहुत बड़ा होगा, तो उसको छोटे फाइल साइज में एक्सेल में ही किस तरह से करते हैं। दोस्तों बहुत लोगों को क्वेरीज आती है, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम आता है, वो प्रॉब्लम आज हम ये सेशंस में सॉल्व करके दिखाएंगे। तो दोस्तों जरा सा भी टाइम वेस्ट ना किए हुए चलो चलते हैं हम फाइल साइज को किस तरह से रिड्यूस करना है ये समझने के लिए। हमें एक फाइल साइज को कम करना है। चलो हम लोग एक छोटा सा मैंने फाइल बनाया हुआ है, कंट्रोल डी कर देता हूं। यहां पर मैंने बिग फाइल करके एक फाइल बनाया हुआ है। ओके, यहां पर मेरा फाइल खुल गया है। ये फाइल में मेरा अराउंड 6741 मेरे रोज है। तो समझ लो ये फाइल को मैंने सेव कर दिया। और ये फाइल के पहले मैं फाइल साइज चेक करता हूं। प्रॉपर्टीज में गया, प्रॉपर्टीज में जाके इसका फाइल साइज देखा। देखो इसका फाइल साइज आपको देखोगे 208 KB का ये फाइल है। ओके, ये फाइल को मैं वापस ओपन करता हूँ। ये फाइल को वापस ओपन करके मैं जाऊँगा फाइल, फाइल में जाके सेव एज, सेव एज में जाके मैं ब्राउज करूँगा। ब्राउज करूँगा बिग फाइल की जगह में बिग फाइल अंडरस्क्रोल स्मॉल करके मैंने इसका नाम पहले सेट कर दिया। ओके, SML ऐसे डाल देता हूँ, छोड़ो यार, SML करके मैंने डाल दिया। ओके, SML डाल के अभी मुझे क्या करना है, सेव एज टाइप में मुझे चेंज करके बाइनरी वर्कबुक सिलेक्ट करना है। दोस्तों भी बाइनरी वर्कबुक क्या है इसको पहले समझ लो। बाइनरी वर्कबुक आपके डेटा को कंप्रेस करता है। एक्सेल फाइल में आपके अलग अलग फॉर्मेटिंग्स रहते हैं, अलग अलग ग्राफ्स रहते हैं, पिक्चर्स रहते हैं, बहुत सारा अलग अलग वैरायटी का डेटा रहता है। वो अलग अलग वैरायटी के डेटा को एक्सेल फॉर्मेट में ही ये कंप्रेस करने का काम करता है। अभी ये एक्सटेंशन बेस्ड फाइल पे काम नहीं करता। एक्सटेंशन बेस्ड फाइल मतलब क्या, आपने एक एक्सेल शीट में बहुत सारे सिर्फ PDF ही रखे हुए, डेटा रखा ही नहीं है, सिर्फ PDF अटैच करके रखे हुए, तो तभी ये काम नहीं करेगा। ये काम करेगा डेटा के ऊपर, आपका जो बड़ा डेटा होगा बड़ा डेटा को कंप्रेस करके छोटा सा बना देगा। ओके, तो मैंने बाइनरी फॉर्मेट में सिलेक्ट किया और अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके, सेव कर दिया और मैं यहाँ से क्लोज कर दिया। मैं फिर एक बार अपने डेस्कटॉप में आता हूँ। कोई SML फाइल, ये मेरा फाइल का प्रॉपर्टीज में ओपन करता हूँ यहाँ पर। ओके, देखिए 208 KB है और अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये फाइल का प्रॉपर्टीज ओपन करता हूँ और इसके बाजू में रखता हूँ। देखो आप अभी कंपेयर कर पाएंगे, ये 208 KB जो था ना, ये हमारा एक्सेल बाइनरी में होने के बाद 123 KB हो गया। अच्छा दोस्तों, फर्क कुछ नहीं पड़ता, आपके फाइल सेम एज इट इज सेम रहती है, उसमें जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता आपके फाइल में, सिर्फ आपके फाइल का साइज कम हो जाता है। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में आप जब भी जाओगे आपको ये टेक्निक बहुत यूजफुल होगी। अपने फाइल्स को बाइनरी में सेव कीजिए। अगर आपका फाइल आपको लग रहा है कि आपका फाइल बहुत बड़ा हो रहा है तो आप उसको बाइनरी में सेव कीजिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ओके, तब तक के दोस्तों हमारा ये वीडियो, हमारे टेक्निक्स आपको पसंद आ रहे होंगे तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिए। एंड हाँ, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने बोलना, आप सब्सक्राइब करना और शेयर तो करते ही रहना दोस्तों। तब तक के लिए नए टेक्निक्स के साथ, नए टीचिंग टेक्निक्स के साथ और नए नए और अच्छी चीज़ों के साथ फिर एक बार मिलेंगे नए वीडियोस में। तब तक के लिए थैंक यू।